हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसीना क्लास 8 का जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए, वो कहता है -3 और -2 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। -3 और -2 के बीच जो है वो दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेगा, तो हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दिया है, ये भाई साहब क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है -3 और जो है वह ये दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यानी कि याद रखना है, अगर जो है वह कोई आपसे अगर पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या यानी कि निकाल सकते हैं, तो आप उसका जो है वह आंसर दीजिएगा अनंत निकाल सकते हैं, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए -3 और -2 दिया हुआ है, देखिए इसको हम क्या 1 यानी कि लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए -3/1 और -2/1, देखिए दोनों का हर क्या है, तो हमारा समान है, तो हर समान है, तो यहाँ पे हम एलसीएम नहीं भी लेंगे तो हमारा चलेगा, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए -3/1 है और ये -2/1 है, ठीक है, ये इतना है। अब देखिए इसका जो है वो हम क्या करते हैं, जब भी जो है वो यानी कि इस टाइप का कंडीशन यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप क्या करेगा, ऊपर भी 10 से गुना कर दीजिएगा और नीचे भी 10 से गुना कर दीजिएगा। इसको 10 से गुना कर देंगे तो ये हमारा -3/1 और ये 10 से ऊपर भी गुना करेंगे तो इससे हम गुना करेंगे तो -30/ ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ भी गुना करेंगे तो -2/10/ये 1×10 अर्थात ये जो है वह -20/ये 10 हो जाएगा। तो अब देखिए इसके भी हर समान है, इसके भी हर समान है। अब -30 और -20 के बीच हम नौ परिमेय संख्या लिख सकते हैं, 31/33 यानी -29/10 -28/10 -27/10 इसी तरीका से बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन दो ही कह रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ये -3 और -2 के बीच दो परिमेय संख्या ये हमारा कौन कौन होगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा -29/10 और ये -28/10 और ये -27/10, ये इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, 3-2 का रहा है तो हम 3 लिख दिए, तो 2 ही लिखिएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।